पंजाब के अपराध की दुनिया में इन दिनों एक खबर बहुत तेजी से देखने को मिल रही है, यही कि देवेंद्र बम्बीहा गैंग लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं उन सभी को मारने के लिए लगातार फेसबुक पेज पर धमकियां दे रहा है। लेकिन देवेंद्र बम्बीहा इधर धमकी दे रहा है तो वहीं एक और बड़ा कांड लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कर दिया है। जी हाँ, फिलीपींस में देवेंद्र बम्बीहा गैंग का एक बदमाश जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, उसकी हत्या कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गे दीपक मुंडी ने करवा दी है। और दीपक मुंडी ने बकायदा इसके बाद एक ऑडियो भी जारी किया है और इस ऑडियो में उसने कहा है कि जो भी मीडिया के लोग हों या फिर तमाम ऐसे लोग हों जो अफवाह फैला रहे हैं, वो अफवाहों को खारिज कर रहा है उस ऑडियो में। और उसमें एक बात और साफ तौर से कह रहा है कि अमृतसर एनकाउंटर जो हुआ था मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा का, वो उसे फेक एनकाउंटर बता रहा है और कह रहा है कि जो भी उसमें दोषी है उन सभी से हम बदला लेंगे। यानी कि एक तरफ देवेंद्र बम्बीहा गैंग लगातार लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और सिद्धू मूसेवाला के हथियारों को अब मारने की धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब लगातार हत्या पे हत्या कर रहा है। मतलब कि अगर इन दोनों गैंगों की जिस तरह से बात की जाती है, दोनों ही खतरनाक गैंग हैं, लेकिन हमेशा हमेशा देखने को मिलता है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग देवेंद्र बम्बीहा गैंग पर आज के मौजूदा वक्त में भारी पड़ रहा है। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को लगातार कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है और कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इसी जो अभी संदीप की हत्या हुई है, लॉरेंस बिश्नोई ने भी इसके आदेश दिए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के कस्टडी में है तो वो कैसे आदेश दे सकता है? इसमें तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। ये इसे फेक आप कह सकते हैं, जो दीपक मुंडी का ऑडियो जारी हुआ है उसे आप फेक कह सकते हैं कि ये बातें तो झूठ है। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि दीपक मुंडी जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का सबसे आखिरी शूटर कहा जा रहा है, और वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। पुलिस की गिरफ्त में नहीं आने के बाद भी वो इस तरह से तमाम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। और जब उसकी आप ऑडियो सुनेंगे, अभी हम आपको उसका ऑडियो भी सुनवाएंगे, उस ऑडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, सबसे पहले वो जय बलकारी कहता है, जय बजरंग बली कहता है, और ये लोग अपने आप को जय बजरंग बली का भक्त कहते हैं। साथ ही इस तरह की वारदातों को वो लगातार अंजाम देते हैं। अब देखना अहम होगा कि देवेंद्र बम्बीहा गैंग के बदमाश की हत्या के बाद अब क्या देवेंद्र बम्बीहा गैंग पूरी तरह से बौखला जाएगा। वैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बीहा गैंग, नीरज बमानिया गैंग, टिल्लो ताजपुरिया, कौशल चौधरी गुड़गांव, इस सारे गैंग पहले से ही लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन धमकियों के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठा हुआ है, वो वहां से एक एक कर बड़ी वारदातों को अंजाम दे भी रहा है। देवेंद्र बम्बीहा गैंग का ये बदमाश जो संदीप था, ये फिलीपींस में बम्बीहा गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट करता था। संदीप की हत्या के बाद अब ये आशंका जताई जा रही है कि हो ना हो देवेंद्र बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक बार फिर से बड़ी गैंग वॉर भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी, जो पंजाब के DGP हैं गौरव यादव, उनको एक पत्र भेजा गया था और कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा है, पंजाब के कई नेताओं की जान को खतरा है गैंगस्टरों से। फिलीपींस में भले ही देवेंद्र बम्बीहा गैंग के बदमाश संदीप की हत्या हुई हो, लेकिन अब इंडिया में भी, खास करके पंजाब में भी, लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बीहा गैंग में एक बड़ी गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल हम आपको दीपक मुंडी का वो ऑडियो सुनाते हैं जो जिस ऑडियो में वो साफ साफ ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से सभी से बदला लेगा, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर देवेंद्र बम्बीहा गैंग के बदमाश हों जो इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। चलिए आप ये दीपक मुंडी का ऑडियो सुनिए। राम राम भाई, सब ने जय बलकारी। दीपक मुंडी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है? ये जो मनदीप धारीवाल फिलीपींस ने जो हमारे जो अपना भाई गोल्डी बराड़ ने मरवाया है, ठीक है? ये मीडिया वाला ये जो न्यूज फैला रखी है ना, फेक न्यूज, और ये जो अपना मन्नू रूपा भाई को फेक एनकाउंटर करे, इसको बहुत जल्द बदलाव होगा। वो ऐसा बदलाव होगा ये जो इतिहास का पर नाम लिखा जाएगा। और ये बम्बैया ग्रुप, ये कौशल रबुआनिया, ये टुच्चा गुंडा जो पोस्ट घेर जाए ने, मैंने बहुत जल्द दिखावागा कि क्या करो जा सके है, मैंने मार किया सब उदल लियो जा, वो इतिहास का पन्ना में लिखी जाएगी। बाकी अणगन की में होने जानी नहीं है, ये पोस्ट गेयर की बहुत जल्द अनको भी काम करके दिखावा। और जो ये पटौदी रेवाड़ी एरिया के अंदर ठेका खातर ने कही है, ठेका मारे का नहीं, अणगन की में नहीं है, सब किम मारे करना है, ठीक है? अणकिन न कोई औकात न कोई और किम ये डेरा, और बहुत जल्द दिखावा तमिल काम के कर सका के नहीं। बाकी सब ने बेरो जो मुसाले को हाल हो है वो हाल आना को, ठीक है भाई? ये बल्ली बुल्ली रहने ने गल्लान फोड़ दिया था,
ये बागे भी फोड़ा ने बच गया था ये। ठीक है भाई, सबने जय बोलकारी, जय बजरंग बली, लॉरेंस विष्णु ग्रुप भाई। तो सुना आपने, दीपक मुंडी किस तरह से अब इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है और साफ साफ कह रहा है कि इस हत्या को गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिलवाया है। अब आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो रेगी करने वाला था संदीप केकड़ा या फिर सतवीर का नाम आया था सामने, इन लोगों की जेलों के अंदर पिटाई हुई थी। और जेलों की पिटाई के बाद देवेंद्र बम्बीहा गैंग की तरफ से ये कहा गया था इन सब की पिटाई हमने की है। तो आप समझ चुके होंगे कि इन दोनों गैंग के बीच में किस तरह से अदावत चल रही है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। लेकिन खैर जो भी हो, इसमें देखना अहम होगा कि पुलिस प्रशासन को अब कहीं ना कहीं बहुत ही मुस्तैदी से काम करना होगा, क्योंकि ये बदमाश अब पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। बने रहिए आप BDF न्यूज के साथ। इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कवर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप हमेशा प्यार देते हैं, इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। आपका शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।